का पर्दाफाश कर दिया है। भाई की पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने ही जेठ की हत्या कर दी और जेठ का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने विवाद में अपने भाई का पक्ष लिया था। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश, भाई का पक्ष लिया तो जेठ को मार डाला। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैसे, क्या ये दिनांक 6/9 को आया था हमारे पास, ये धर्मेंद्र नाम का आदमी लापता हो गया कुंडली से, जिसकी हमने FIR दर्ज कर ली थी। फिर बाद में उसके कराया, इसका अपहरण हो गया है। अपहरण होने के बाद धारा 365 जांच कर दी, उसकी तलाश करी, शनाख्त हुई उसकी, फिर अलीपुर थाना में डेड बॉडी मिली, वहाँ पर वारसाना शनाख्त कर ली उसकी और आरोपियों को गिरफ्तार कर। घरेलू विवाद में भाई का पक्ष लेने के चलते भाई की पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर अपने जेठ की हत्या की थी। आरोपी महिला की 2 बहन, भाई, माँ, बेटा और बेटे के दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पहले अपने जेठ का अपहरण किया, जिसके बाद पल्ला गांव के पास उसकी गला दबाकर और सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी। शव को आरोपियों ने यमुना में फेंक दिया था। कैसे, कितने आरोपी थे इसमें, कौन कौन शामिल थे? आरोपी 7 हैं इसमें। कौन कौन? 3 लेडीज हैं और 4 जेंट्स। क्या कारण रहा हत्या का और अपहरण का? सर, इनका पुराना अपना रंजिश है और इनका झगड़ा हो गया आपस में। एक साल पहले ये अलग अलग हो गए थे, ये यहाँ का ट्रेन लाके कुंडली में, फिर उन्होंने जो मिल गया धर्मेंद्र यहाँ, उसको यहाँ पर उसकी हत्या कर दी। ठीक है सर, कितने दिन में खुलासा हुआ सर ये बस में? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।